अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और हम लोग पहुँच गए हैं तापी गुंज। आज है 14 अक्टूबर और मुजफ्फरपुर पहुँचने के बाद से हमें सिलीगुड़ी की बस मिल गई थी शाम में 5:15 बजे के करीब, 5:15 या 6:15 के करीब हम लोगों ने वहाँ से सिलीगुड़ी की बस ली। फिर हम सुबह में पहुँचे 6 बजे के करीब सिलीगुड़ी। वहाँ पहुँच कर फिर हम लोगों ने एक दूसरी बस ली, उसने हमें काकड़बिट्टा बॉर्डर पर पहुँचाया। वहाँ पर हम लोगों ने चाय वाय पी, नाश्ता किया। उसके बाद से इंडिया की रिक्शा जो थी उसने हमें 20 रुपीज़ लिया और दूसरी तरफ हमें पहुंचा दिया। वहां पहुंचने के बाद से फिर हमें नेपाल बॉर्डर, जैसे हमने क्रॉस किया तो नेपाल की जो रिक्शा थी उसने फिर हमें थोड़ी दूर ले जाकर ड्रॉप किया, क्योंकि गाड़ियां चल नहीं रही थी। हमें जाना था चार्ली वहाँ से, लेकिन सब बंद था, इस वजह से हम वहीं पर रुक गए। फिर वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वो जो भैया थे उनसे हम लोगों ने पूछा, तो उन्होंने हमें एक रिक्शा में बिठाया कि जो है वो हमें रिक्शा जो है दूसरी तरफ हमें पहुँचा दे। एक मैसेज आपके लिए कि जब वहाँ पर आप पहुँचे बॉर्डर पे तो बहुत सारी चीज़ें स्कैम वगैरह होता है, तो हमसे भी एक मतलब रिक्शे वाले ने बोला था, आई थिंक ऑटो थी वो, ठीक है, ऑटो रिक्शे वाले ने बोला ज़्यादा पैसे, वो इंडियन हमसे 1000 रुपीज़ मांग रहे थे, हालांकि उतना पैसा नहीं लगते। फिर हमें वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो होती, वो भैया थे, वो इतने अच्छे थे, उन्होंने जो है हमें हमारी हेल्प की और हमें खुद एक ई रिक्शा में बुलाकर बिठाया। और उसने ई रिक्शा ने मुझे लगता है 50 रुपीज़ आई थिंक उन्होंने हमसे लिया, कहाँ 1000 रुपीज़ और कहाँ मतलब 50 रुपीज़। फिर खैर अच्छे लोग भी मिलते हैं रास्ते में। फिर उन्होंने हमें बिठाया तो हमें रिक्शा ने ले जाकर हमें चार्ली पहुंचाया। दिक्कत इसलिए हुई, हम गए, फिर हम लोगों ने टिकट वगैरह देखी, फेस्टिवल चल रहा था इसलिए बस जो थी वो सुबह में ही बस का टाइम मतलब निकल चुका था, इसलिए हमें बस नहीं मिली। दूसरी चीज़ थी कि सुमो भी नहीं थी ज़्यादा फेस्टिवल की वजह से। तीसरी चीज़ हमारे साथ ये हुई कि गाड़ियाँ कम थी, तो इस वजह से फेयर जो था वो बढ़ गया था, आई थिंक 700 या 800 ऐसे कुछ नेपाली लगता है, बट हम लोगों को ज़्यादा पैसा लग गया, 1000 समथिंग ऐसे कुछ। फिर वो भी डायरेक्ट हमें ताबलीगंज के लिए सुमो नहीं मिली, हम वहाँ से फिर फीदिम आए। फीदिम आने के बाद से शाम हो गई थी, 3-4 बज गया था, फिर उस टाइम से तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ें। और फिर गाड़ी भी नहीं थी, गाड़ी थी दूसरे दिन। फिर हम फीदिम में एक रात रुके, फिर रुकने के बाद से जो है सुबह आज जो है वो हमें सुमो मिली थी। 9 बजे के करीब हम लोग वहाँ से निकले और अभी हम लोग हैं तापलीगंज में, और हमारा होटल बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना होटल। और दूसरी चीज़, कल हम निकलेंगे सिखादुम के लिए। सिखादुम पहुँचने के बाद फिर हमारा जो है असल ट्रैक स्टार्ट होगा, बहुत एडवेंचरस होने वाला है, बहुत ख़तरनाक, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि और भी लोग हैं साथ में, लेकिन देखते हैं लास्ट तक कौन कौन जाता है। चलिए आज फ़िलहाल तो मैं आपको अपना होटल दिखाती हूँ और यहाँ का यम्मी यम्मी सा खाना। और बस क्या, रास्ता बड़ा ख़तरनाक था, यूँ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। खैर हम आ गए, देखते हैं ट्रैक कैसा रहता है, इंशाल्लाह कल पहुँचने के बाद पता चलेगा। और दूसरे व्लॉग में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको चीज़ें पता चलेंगी कि हम कैसे कैसे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ रुक रहे हैं, हमारा होटल कैसा है, खाने पीने की चीज़ें सारी पता चलेंगी। अगर आप कीजिएगा आपको पता चलेगा हम कैसे इंडिया से नेपाल पहुँचे और हमारा KVC ट्रैक कैसा रहा, और सारी चीज़ें सारी डिटेल में आपको चीज़ें पता चलेंगी और हमारे साथ साथ आप लोग भी घूमिएगा। चलिए मैं आपका होटल दिखाती हूँ, खाने पीने की सारी चीज़ें, और रास्ते में जो भी चीज़ें हमें मिली वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। आइए, हम लोग मुजफ्फरपुर पहुंच गए और ये है बस स्टैंड। यहाँ से जो है हम लोग शाम में पहुंचे थे 5 बजे करीब, और अभी राज बस जो है इससे हम लोग निकलेंगे सिलीगुड़ी के लिए। बस देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त बस है हम लोगों की, बहुत अच्छी। इससे पहले भी हम लोग जब दार्जिलिंग गए थे तो हम लोगों ने राज बस ही बुक किया था, तो सर्विस अच्छी है। मतलब हम लोग अभी तक जितने टाइम भी गए हैं अभी तक तो खैर अच्छा ही रहा, इसके अलावा और लोगों का नहीं पता उन लोगों के साथ सर्विसिंग का क्या रहा क्या नहीं, बट हम लोग के साथ अच्छा ही रहा। तो ये बस स्टैंड है ये मुजफ्फरनगर में, यहाँ पर ये बसेस हैं राज की,
ये सिलीगुड़ी जाने वाली गुवाहाटी। फिर हम लोग अभी तो टाइम है काफ़ी, निकलेंगे 6:15 के करीब हम लोग यहाँ से। सिलीगुड़ी पहुँचने के बाद से हम लोगों ने काकड़बिट्टा के लिए एक बस ली, उसने हमें पहुँचाया बॉर्डर पर, काकड़बिट्टा बॉर्डर। और यहाँ पर हम लोगों ने आंटी से ली थी ज़बरदस्त चाय, बहुत अच्छी चाय थी, 20 रुपये, 20 रुपये नहीं 10 रुपये की चाय, और यम्मी, बहुत ही लजीज मज़ेदार चाय। और ये है बॉर्डर दूसरी साइड। बॉर्डर क्रॉस करके हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया इससे पहले आपको, कि हम लोग जो है वहाँ से जो चार्ली से हम लोग पहुँचे फिदिम, फिदिम से फिर हम लोग निकले तापलीगंज के लिए। तापलीगंज रास्ते में ये हमें एक लेक मिली, इस लेक का नाम मैं अभी बताती हूँ आपको, कुछ तो था, हाँ, काबेली खोला ब्रिज, काबेली खोला ब्रिज। ये जो है ना, ये इम्पॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है, यहाँ पर लोग जो है आते हैं पूजा वूजा करने के लिए। तो हम लोग साथ में जो लोग थे, हम लोग जो और भी लोग हम लोगों के साथ में थे, तो वो लोग यहाँ पर उतरे थे, रुके थे, और उन लोगों ने पूजा वूजा किया था। उसके बाद से फिर हम लोग दोबारा से अपनी सुमो में जो है वो बैठ गए थे। और ये तापलीगुंज जाते हुए बीच में ये पुल जो है ये मिलता है, इसको क्रॉस करके फिर हम लोग जो है वो आगे जाते हैं। यहाँ पर ये सब खड़े हुए हैं सुमो से निकल कर हमारे। उसके बाद से फिर जो है हम लोग पहुँच गए ऊपर नीचे रास्तों से तापलीगुंज भट्टारिया होटल एंड लॉज। अच्छा होटल है, लॉज अच्छा है, खाने खाना बहुत अच्छा, यहाँ का सर्विसिंग बहुत अच्छी। और ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये जिस होटल में हम रुके हुए, 1234 हमारा रूम नंबर है, 109 अंधेरा हुआ इसलिए आपको दिखेगा ना। उसके बाद यहाँ पर ये है वॉशरूम, हम ऊपर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पर खाने पीने का, मैं दिखाती हूँ। ये पूरा हॉल है खाने का, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ये गिटार आप बजाओ, यहाँ पर ढोल, आई थिंक इस टाइम नहीं है, पता नहीं कहाँ के। ये कॉफ़ी, ये हमारा कंचनजंगा की पेंटिंग, ये है डाइनिंग खाने पीने का, खा सकते हैं। मे शूट नो इसके लिए, ओके 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 ओके, वो किचन में जो है वो किचन की हम वीडियो नहीं ले सकते, ये बाहर का एंट्रेंस है, तो यही है। बहुत सारी जगह अलाउ नहीं रहता है कि वीडियो शूट करें, वो किचन में जो है वो खाना वाना बना रहे में भी हो सकता है, ऊपर हम जाएँ तो वहाँ पर वो अलाउ करें। तो ये है अच्छा होटल, खाना करीब 4 बज चुका है और हम लोगों को लग गई है भूख बहुत अच्छी वाली। हम लोगों ने ली यहाँ पर थाली, स्पेशल जो नेपाल की थाली होती है, यहाँ थाली ही आपको, मतलब जो यहाँ का यूजुअली जो खाना होता है ना स्पेशल, वो थाली रहती है। इसमें चावल, मिक्स दाल, वेज, सब्जी, मस्त खाना था। फिर हम लोगों ने खाया मोमोज, ओहो हो, मतलब ऐसा मोमोज मैंने इससे पहले इंडिया में तो खैर मिलता ही नहीं है। दार्जिलिंग में एक बार खाया था, वो ज़बरदस्त मोमोज था, मतलब 150 रुपीज़ नेपाली, यानी कि इंडियन 90 रुपीज़ और फुल प्लेट मोमोज। आहा, इसमें जो चटनी थी ना, दो तरह की चटनी थी, एक ग्रेवी वाली थी और एक दूसरी चटनी थी, थोड़ी सी थिक थी, ऐसा लग रहा था ना आई थिंक कि चिकन का पेस्ट भी इसमें डाल रखा हो इन्होंने, मस्त ज़बरदस्त मज़ेदार, बहुत यम्मी है ना। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि और खा लूँ मैं, लेकिन पेट फुल हो चुका है, इस वजह से हम लोगों ने बस इनफ किया कि नहीं एक ही प्लेट मोमोज दोनों ने। इससे पहले हम लोगों ने खाना खाया था,
इसके बाद से मोमोज खाने के बाद से अब हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय। ये देखिए चटनी, हाँ ये ग्रेवी वाली चटनी है और ये दूसरी ऑरेंज वाली चटनी। उसके बाद से अभी हम लोगों ने ली है चाय, ये मस्त। और पता है आपको ये भर भर का चाय है 30 रुपए की बस। चलिए फिर हमारा खाना पीना समाप्त हो चुका है तो अब हम जाएंगे ऊपर अपने रूम में। ये देखिए यहाँ से ये विंडो, बाहर से बाहर का सब दिख रहा है। नजर आती बट अभी रात है तो नहीं देख सकते हम। ये यहाँ बाहर का व्यू है। तो आज के लिए इतना कि कैसे हम जो है वो यहाँ पे पहुंचे तापलीगुंज, वहां से मुजफ्फरपुर से भी कोई आ रहा है तो वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकता है बिकॉज अगर किसी को आना है तो चलिए आज के लिए इतना। हम पहुंचेंगे कल सिखातुम, तो वहाँ पहुँच कर फिर वहाँ की जो ब्लॉग है आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिले और उसके बाद से तो फिर ट्रैकिंग स्टार्ट होगी तो फिर तो क्या ही बात है। इंशाल्लाह चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।